अगर हमारे देश के किसान के सामने कोई लक्ष्य रखा जाए, आवश्यक वातावरण पैदा किया जाए, बदलाव लाया जाए, तो मेरे देश का किसान रिस्क लेने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, परिणाम लाने को तैयार है। ऐसे ही एक किसान है हरियाणा चरखी दादरी के छोटे से गांव कान्हड़ा के रहने वाले धर्मेंद्र शिवराण। आसमान में सुराख करने के मायने क्या होते हैं, ये धर्मेंद्र से कोई भी समझ सकता है। लोग पत्थर पर लकीर खींचने की मिसाल देते हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने तो रेत में ही सेब उगा दिए, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से। प्रेरणा हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली, उसके बाद में हमने सेब लगाया तो सेब को आज हमने संभव कर दिया। धर्मेंद्र ने रेत में सिर्फ सेब ही नहीं लगाए, बल्कि अपने खेत में अखरोट, काजू, अंजीर और चंदन के पौधे भी लगा दिए। धर्मेंद्र पीएम मोदी से बेहद प्रभावित हैं। उनके काम और उनकी लगन से वो सीख लेकर अपने खेत में ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। धर्मेंद्र ने कसम खाई है कि वो ऐसे कारनामे करते रहेंगे, नए नए कीर्तिमान बनाते रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सपने को वो अपने दम पर पूरा करेंगे। हमारा टारगेट यही है कि हम 2022 तक, यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको हम 100% कामयाब करके दिखाएंगे। इस क्षेत्र में हरियाणा सेब, काजू, बादाम, पिस्ता और चंदन की खेती दिखाएंगे। पीएम मोदी जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, मगर उनकी हर मुहिम में धर्मेंद्र जैसे लोग भी अगर साथ आ जाएं, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। तो जहां हो वहां जी जान से जीने की कोशिश करो दोस्तों, और एक बार उसमें आप जुड़ जाओगे आप देखिए जिस क्षेत्र में गए हो वहां भी एक नई जिंदगी का निर्माण कर सकते हो और एक नए युग की शुरुआत कर सकते हो।